सो गाइस सामने आज हमारे आप देख रहे हो हीरो एक्सट्रीम 125R। अब ये जो बाइक है ये एकदम डायरेक्ट कम्पीट करती है अपनी टीवीएस रेडर 125 से। तो आज इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स के साथ आपको डिटेल कंपैरिजन में आपको बताने ही वाला हूं कि क्या क्या आपको अच्छाइयां यहाँ पे आपको मिल जाती है, क्या क्या वहां पे आपको अच्छी मिलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि भाई हीरो एक्सट्रीम 125R ही आपको क्यों लेना चाहिए, टीवीएस रेडर 125 क्यों नहीं लेना चाहिए, सबके बारे में बात करने वाले हैं इन डिटेल। एंड अगर आप लोग पुणे से हो तो भाई आप सभी को पता किधर आना, शायद हीरो के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वाले बाइक का प्राइस बता देता हूं। इसमें आपको दो वेरिएंट आते हैं, एक आईबीएस और एक एबीएस। ये वाली वेरिएंट आप अपनी एबीएस वाली देख रहे हो। आईबीएस की आपको 96,087 रुपीज आपको पड़ती है एंड 1,839 रुपीज आपको पड़ जाता है एक शोरूम अपना एबीएस वाले मॉडल का। अब इसी को अगर आप ऑन रोड प्राइस में देखोगे तो भाई ऑन रोड प्राइस अपने स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी वैरी करती है। आपके स्टेट आपके सिटी में क्या पर है वो आप नियरेस्ट डीलर के पास जाके पता कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग पुणे से हो तो भाई 1,15,000 से लेके 1,24,000 तक इस वाले बाइक की आपको प्राइसिंग पड़ने वाली है। बाकी इस वाले बाइक की कुछ फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो भाई कुछ इस टाइप का जो लुक्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट से। हालांकि इस वाले बाइक की डिटेल्ड जो हेडलाइट की रिव्यू मैंने वो भी बना रखा है यहाँ पे, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, वो वाली वीडियो भी आप चेकआउट जरूर करना। बाकी यहाँ पे आपको बहुत ऐसी यूनिक और एक बहुत बल्की और एक मस्कुलर जो डिजाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है फ्रंट से। इसमें आपको यहाँ पे ऊपर में जो एलईडी जो अपना डीआरएल है वो लगा हुआ है, नीचे में आपको एलईडी जो हेडलाइट है वो आपको मिल जाती है। एंड सच में गाइज ये वाली लुक आपको बहुत ऐसे अमेजिंग लगती है, खासकर जब आप इस गाड़ी को ऐसे रात के टाइम पे देखोगे ना आपको लगेगा कि भाई कुछ तो ऐसे बहुत अमेजिंग जो चीज है वो आपको निकल के आ रही है। अगर आप लोगों को याद होगा तो कावासाकी का Z800 एक बाइक आता था, उससे कुछ आपको यहाँ पे जो हेडलाइट्स वगैरह का जो कुछ कॉम्बिनेशन है कुछ आपको उस टाइप का यहाँ पे आपको लग सकता है। बाकी यहाँ पे आपको ऑल एलईडी जो अपना सेटअप है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो वो एक अच्छी चीज है। हालांकि मुझे लगता है कि टीवीएस रेडर 125 में आपको हैलोजन मिलती है, यहाँ पे आपको एलईडी मिल जाती है, तो ये एक अपग्रेड आपको यहाँ पे मिलता है हीरो एक्सट्रीम 125R में। हालांकि इस वाले बाइक में आपको फर्स्ट इन सेगमेंट एबीएस मिल जाती है जिसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, बट एबीएस आपको ऐसा है बहुत लाइफ सेविंग चीज है भाई, मैं आपको एकदम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो एक चीज है। बाकी आपको आईबीएस वाला भी टेक्नोलॉजी आता है बट मेरी मानोगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देखिए, कुछ 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देखिए आप एबीएस वाला वेरिएंट ही लेना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जो एक्सट्रीम कंडीशंस में वो आपको बहुत ऐसे हेल्प करती है, तो वो एक चीज है। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट में 90x90 70 इंचेस के यहाँ पे आपको टायर्स जो है वो यहाँ पे आपको लगे हुए मिलते हैं एंड फ्रंट में आपको 276mm का जो आपको डिस्क है वो मिल जाता है। एंड यही अगर आप आईबीएस वाले से के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको 240mm का जो डिस्क है वो मिल जाएगा एंड रियर में अपना वही 130mm का जो ड्रम ब्रेक्स है वो आपको मिल जाती है। हालांकि सिंगल चैनल एबीएस आता है तो रियर में आपको डिस्क देना ना देना उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सस्पेंशन के हिसाब से भी देखोगे ना तो मुझे एज सच इस वाले बाइक से कुछ ज्यादा यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं है भाई, सिटी ड्राइविंग में बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है एंड इवन इसका जो इंजन है ना भाई वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब एकदम आपको एकदम लो एंड टॉर्क या फिर एकदम जो सडन पुश आपको चाहिए होता है ना, तो 125 सीसी होने के बावजूद यहाँ पे आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है 125 सीसी का आपको इंजन जिसमें 11 HP का पावर एंड 10.5 Nm का जो टॉर्क है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको 0 to 60 ये बाइक आपको सिर्फ 5.9 सेकेंड्स में देती है, तो ये एक बहुत अच्छा एक बात है। हालांकि टीवीएस रेडर 125 को मैंने जब चलाया था तो मुझे एक चीज जो सडन डिफरेंस पता चला था वो इसके इंजन को था। वो वाली गाड़ी भी अच्छी है, इंजन उसका अच्छा है, बट ये वाला इंजन मुझे ज्यादा ऐसे पावर यहाँ पे मुझे ज्यादा फील हुआ इस वाले इंजन में। अब जब आप इस बाइक को एकदम साइड बाय साइड चलाओगे ना तो आपको सडन डिफरेंसेस जो है वो वहाँ पे आपको पता चलेंगे। बाकी कुछ इस टाइप का जो आपको साइड लुक है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको 125R का जो बैजिंग है वो भी मिल जाता है। 3 कलर ऑप्शन है जो कि आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट कर पा रहे होगे। बाकी इस साइड से कुछ इस टाइप के जो लुक है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, हीरो का यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाता है। अब जो सबसे बड़ा चेंज है जो आपको हीरो एक्सट्रीम 125R में मिलता है वो ये है कि यहाँ पे आपको किक मिल जाता है भाई, जो कि आपको टीवीएस रेडर में नहीं मिलता है। और देखो मेरे हिसाब से 125 सीसी की बाइक है ना तो ये सारे सेगमेंट की बाइक्स में आपको किक देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि भाई बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो लोग वहाँ पे भाई बहुत ऐसे मतलब सर बैटरी डिस्चार्ज होगी या वो सारी कुछ कंडीशन हो जाती है, तो भाई उस वजह से आपको किक वहाँ पे बहुत हेल्प करता है, जो कि आपको टीवीएस रेडर में वो ऑप्शन नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बाजी मार जाती है 125R अपनी जो हीरो वाली आती है वो। बाकी यहाँ पे आपको रियर में वाइडेस्ट टायर मिलती है जो कि 120x80-70 इंचेस के यहाँ पे आपको रियर टायर 130mm का आपको ड्रम मिल जाता है एंड ये सेक्शन में मतलब इस सेगमेंट में जितने भी सारे बाइक्स आते हैं उसमें आपको 110, 100 का जो आपको टायर सेगमेंट है वो आपको मिलता है। खासकर इसका ये वाला जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हो भाई, देखो कितनी सारी कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट छोटा सा एग्जॉस्ट है भाई, वो बहुत प्यारा लगता है एंड जब आप इस गाड़ी को इस एंगल पे देखोगे ना भाई तो बहुत आपको एकदम लगेगा नहीं कि ये 125cc की बाइक है। बाकी इस वाले एग्जॉस्ट की वजह से इस वाले बाइक की जो साइड लुक है ना वो भी यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे एनहांस हो रही है। बाकी आपको कैसा लग रहा है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी रियर के लुक अगर मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करूँ तो भाई रियर में आपको कंप्लीटली एलईडी जो अपना टेल लाइट है वो मिल जाता है, जिसमें आपको एच शेप का जो डीआरएल टाइप का चीज है वो आपको मिलता है। जैसे आप ब्रेक लगोगे तो बीच वाली जो अपनी लाइट है वो ऑन हो जाएगी। बाकी आपको टर्न इंडिकेटर्स आपको जैसा मैंने आपको बताया एलईडी भी मिलती है, तो वो एक चीज़ है। बाकी एक और चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि भाई देखो यहाँ पे मिट्टी वगैरह मतलब बारिश के टाइम में मिट्टी वगैरह से बचने के लिए यहाँ पे ये वाली चीज़ दी हुई है कि भाई मिट्टी साइड से उड़ के अपने पैर वगैरह को गंदा ना करे, तो वो एक चीज़ है। हालांकि ये बाइक थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि अभी भाई बारिश का मौसम है पुणे में, आप सभी को पता है भाई बारिश बहुत ऐसे कभी भी हो जाती है, बट चलिए कोई बात नहीं। हालांकि मुझे एक और चीज़ क्या लगता है ना कि हीरो को यहाँ पे चेन कवर भी यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए था ताकि जो चेन है वो अपना मेंटेनेंस फ्री हो जाए,
तो एक अच्छी बाकी आपको रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। अब सस्पेंशन के बारे में जैसे मैंने आपको बोला भाई बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है, ऐसा लगेगा ना कि ये वाली गाड़ी आपको एकदम इंडियन रोड के हिसाब से ही बनाया गया है क्योंकि आपको सस्पेंशन यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्म करता है ऊबर खावर रोड पर भी या फिर नॉर्मल राइडिंग के लिए भी आप यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्म करता है। बाकी स्प्लिट सीट वाला जो फंक्शन है वो आपको मिल जाता है। अब राइडर के लिए ये वाली सीट आपको बहुत कंफर्टेबल है, पीलियन के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। एंड अब यहाँ पे आपको 10 लीटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिल जाता है जिसमें आपको आराम से ये वाली बाइक आपको 55-60 km तक का जो माइलेज है वो आपको निकाल के देती है। तो लुक के साथ आपको माइलेज भी अच्छा मिल रहा है और कंफर्ट भी अच्छी मिल रही है। एंड अगर आप इस बाइक को इस एंगल पे देखोगे ना, अगर आप इस वाले मतलब ऐसे बाइक पे बैठोगे तो आपकी जो थाइज और जो अपना चीज़ है उसको तो यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाले, साथ में आपकी जो नी है उसको यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा ताकि अगर थोड़ा बहुत एग्रेसिवली आप इस वाले बाइक को थोड़ा चला रहे हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस वहाँ पे निकल के आने वाला है, तो वो एक अच्छा चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको जो स्पीडोमीटर कंसोल है इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड ब्राइटनेस आपको पहले से बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिलता है। मतलब हीरो एक्सट्रीम 162 भी जब आती थी ना तो उसका ब्राइटनेस यहाँ पे बहुत कम था, बट जैसे ही उन्होंने अपग्रेड करा तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपग्रेड भी हो गई है। मतलब 125 में भी अपग्रेड हुआ मिलता है। इस वाले बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाती है, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप इस वाले बटन से देखोगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज फुल इकोनॉमी एंड सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको स्विच गियर की क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस तरह पे आपको सेल्फ स्टार्ट बटन और जो अपना किल स्विच वाला जो सारा चीज़ है वो यहाँ पे आपको इसी में इंटीग्रेटेड, तो वो भी एक अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा फिट एंड फिनिश ना आपको अच्छी हो सकती थी, जैसे आप ये चेकआउट करो तो ये थोड़ा सा फिट एंड फिनिश यहाँ पे अच्छा हो सकता था। बाकी उसके अलावा बाइक में मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स यहाँ पे नहीं लगी। इंजन आपको अच्छी मिल जाती है, रिफाइंड आपको इंजन है और काफ़ी अच्छा जो आपको यहाँ पे पुल है ना वो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है। चलिए चलते इस गाड़ी के एग्जॉस्ट नोट आपको जल्दी से मैं आपको सुना देता हूँ। भाई देखो अब एग्जॉस्ट नोट को अगर आप देखोगे ना तो मुझे TVS Raider 125 का एग्जॉस्ट नोट मुझे ज़्यादा थोड़ा बेसी और ज़्यादा थोड़ा स्पोर्टी यहाँ पे साउंड करा, बट यहाँ पे ये वाली बाइक के एग्जॉस्ट नोट आपको ओके मतलब ज़्यादा आपको अच्छा वहाँ पे फील नहीं देगी। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंजन अच्छा मिल जाता है। TVS Raider 125 को मैंने जब चलाया था ना तो जो एक आउटपुट जो एक मिलता है जो ड्राइविंग का जो एक एक्सपीरियंस है ना मुझे इस वाले बाइक में ज़्यादा अच्छा लगता है इसका बेटू दी TVS Raider 125। बाकी यहाँ पे आपको किक मिल जाता है, LED आपको सेटअप मिल जाता है। हाँ वहाँ पे आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, मतलब TVS Raider 125 आपको राइडिंग मोड्स वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आपको मिसिंग है। बट उसके अलावा आप चीज़ें देखोगे तो यहाँ पे आपको ABS मिल जाता है, वहाँ पे आपको ABS नहीं मिलता है, तो वो एक अच्छा चीज़ है। यहाँ पे आपको वाइडेस्ट टायर मिल जाता है 120 सेक्शन का, IGS वहाँ पे आपको 110 सेक्शन का टायर है, वो एक बात है। बाकी यहाँ पे आपको कंफर्ट वगैरह अच्छा मिल जाता है, सस्पेंशन आपको अच्छा मिल जाता है। हालांकि TVS Raider 125 का भी सस्पेंशन आपको अच्छा है, बट यहाँ पे क्योंकि हम इस वाले गाड़ी को एक पूरे आउट मतलब एक पूरा राउंडअप करके मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाली बाइक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है अगर हम फीचर्स को थोड़ा यहाँ पे थोड़ा नेगलेक्ट करें तो। बाकी आपको ये वाली बाइक कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये वीडियो को शेयर करो तो सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि एक बाइक लेना चाह रहे हैं 125 सीसी सेगमेंट में या फिर अपनी फर्स्ट बाइक लेना चाह रहे हैं। बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर डेली अपडेट डेली रील्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग स्टेट में सेफ जी सी अच्छा मोटोवर्ल्ड साइनिंग ऑफ।